अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी चैप्टर 15 ऑफ एबिलिटी 101, और हमने बात करनी है इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के ऊपर। आपको थोड़ा सा जो लेआउट से चेंज लग रहा होगा वीडियो का कि हम डायरेक्ट ही हैंडआउट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसके कितने पार्ट्स बनने हैं, क्योंकि इसका लेक्चर जो है डिफिकल्ट भी है थोड़े, और थोड़े मीन्स थोड़े ज़्यादा कर ले भले, और अंदाजा नहीं होगा कि पार्ट कितने बनेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा डायरेक्ट ही हम उस पर चलते हैं हैंडआउट्स के ऊपर, जितने भी पार्ट बनेंगे तो एंड में आपके पास सारा स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। हम बात करेंगे इसके अंदर इन्वेंट्रीज वाले अकाउंटिंग के ऊपर, और सबसे पहले हमने इन्वेंट्रीज ही देखनी। इन्वेंट्रीज क्या, अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं इन्वेंट्रीज क्या है, लेकिन अभी हम सौखे अंदाज में इन्वेंट्रीज देखेंगे क्या होती है। सपोज के आपकी दुकान है बजरी सीमेंट बेचने की, रेत भी बेचते हैं आप, ठीक है? तो ये जो बजरी सीमेंट रेत आपके पास दुकान में किसी भी वक्त पड़ा हुआ है, ये आपकी इन्वेंट्री है, सही है जी? सपोज कि आपके प्लास्टर के बर्तनों की दुकान है, और मोहल्ले की औरतें और आपके बाजार के अंदर शहर के डिफरेंट लोग आपसे आके प्लास्टर के बर्तन खरीदते हैं, तो जो दुकान के अंदर पड़ी हुई हर चीज किसी भी वक्त आपकी इन्वेंट्री है, सही है जी? सपोज कि आप पंखे बेचते हैं, पंखे आप एयर कूलर भी बेचते हैं, सीलिंग फैन भी और पेडेस्टल फैन भी बेचते हैं, किसी भी वक्त आपकी दुकान के अंदर पड़े हुए ये जो सामान है ये आपकी इन्वेंट्री है, सही है? सपोज कि आपका ऑफिस है, आप किसी के ऑफिस के एडमिन है, ठीक है? आपको एडमिन ऑफिसर बना देता हूँ। तो आपके जुम्मे है कि जितने भी एडमिन के अंदर ऑफिस है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी स्टेशनरी आपके पास पड़ी हुई है, तो वो जो स्टेशनरी है वो आपके ऑफिस की इन्वेंट्री है। आल्दो कि वो पड़ी नहीं हुई, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं पड़ी हुई, लेकिन आपको क्योंकि बुक्स और अकाउंट्स के अंदर आपने अपने जब एसेट्स का अंदाजा लगाते हैं तो ये एसेट्स भी होते हैं, भले ये कंज्यूमेबल एसेट्स होते हैं, ठीक है जी? सपोज कि आप एक पावर हाउस चला रहे हैं, सपोज कि आप एक फर्टिलाइजर कंपनी चला रहे हैं, सपोज कि आप से एक सीमेंट प्लांट चला रहे हैं, तो सीमेंट प्लांट के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, प्लांट के ऊपर यूज होने वाली मशीनरी के जो पार्ट्स स्टोर वेयर हाउस में पड़े हुए हैं वो आपकी इन्वेंट्री है। उस प्लांट के अंदर, चाहे वो फर्टिलाइजर का, चाहे वो पावर का, चाहे फर्टिलाइजर के अंदर यूज होने वाले रॉ मटेरियल जिनसे वो खाद बनती है, जिनसे वो सीमेंट बनता है, और जिनसे वो बिजली बनती है, उसके अंदर यूज होने वाली हर चीज आपकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री का जब अच्छा खासा तारुफ मैंने आपके साथ कर लिया, तो इन्वेंट्री अभी आपको अपना अपना अपनाहियत फील होने लगी होगी। अच्छा इन्वेंट्री तो आप है, इन्वेंट्री तो आप अभी कह रहे होंगे, अच्छा तो आप है इन्वेंट्री। तो अभी आप डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे, इन्वेंट्री आर एसेट्स, सबसे पहले इन्वेंट्री आपके एसेट होते हैं, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपके पास हेल्ड हेल्ड फॉर आपके पास पड़ी होती है फॉर दी बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए, जैसे बिजली बजरी वगैरह की मैंने एग्जाम्पल दी थी। अच्छा जी, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब चीज़ें बनाने के लिए वो यूज हो रहा होता है, जैसे रॉ मटेरियल की बात मैंने कर दी। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज, ऑफिस के अंदर पड़ी हुई वो स्टेशनरी जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, और या आपके वेयर हाउस में पड़े हुए वो मशीनरी के वो पार्ट्स जो कि मशीनरी खराब होगी तो आप उठा के लगाएंगे, वो मटेरियल सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। समझ लगी? तो तीनों की एग्जाम्पल कितनी हमने आसानी के साथ तीनों की एग्जाम्पलें की और तीनों के अपने डेफिनेशन समझ ली। अभी बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा आगे आगे। जरा अब वो इधर मेरी तरह तवज्जो करें ना, मेरी तरह तवज्जो करें, मेरी बात सुन ली अब। नेट रियलाइजेबल वैल्यू अच्छे से सुन ले आप। अच्छा जी सुने, अभी सपोज कि आपके पास मोटरसाइकिल घर में खड़ा हुआ है, ठीक है? और आप ना उस मोटरसाइकिल, आप कहते हैं जी मोटरसाइकिल 30,000 का है, आपने खुद से सोचा हुआ मोटरसाइकिल 30,000 का, ठीक है जी मोटरसाइकिल 30,000 का है, आपने जब मार्केट के अंदर उसको बेचना है, ठीक है? चले और आपके लिए आसान कर देता हूँ, ये जो 30,000 है ना, आपने सोचा नहीं, आपने मार्केट से वैल्यू लगवाई, ये 30,000 है। अभी अब वो जब बेचने जाना है, आप देख रहे हैं कि आपकी एक लाइट टूट हेड लाइट टूटी हुई है, और आपके थोड़े से मोटरसाइकिल के ऊपर स्क्रैचेस हैं, आप सोच रहे हैं कि यार ये जो 30,000 है रेट जो आपको किसी ने बताया, आपने मार्केट में जब रेट लगवाया तो उसने कहा भाई या मोटरसाइकिल के जो डेंट है, ये पेंट है, ये सही करवाओ और हेडलाइट डलवाओ, तो फिर आपका 30,000 का मोटरसाइकिल है, ठीक है जी मान लिया। अभी जब आप उसको बेचते हैं, सही है, तो एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस मैंने क्या बात की, 30,000 रुपये, अपनी जुबान पे कायम रहना है हमने, ठीक है जी 30,000 रुपये। अभी
जब मैंने कहा कि एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसकी हेडलाइट डलवानी है और उसके टैंकी के ऊपर डले हुए जो छोटे भाई ने मोटरसाइकिल ही मार दिया था उसके ऊपर डेंट जो था उसको रिमूव करवाने के चार्जेस भी हैं, हमने वो भी निकलवा दिए। वो कुछ पैसे लगे और हमने जो 30,000 सोचा हुआ था उसमें से वो हमने निकाल दिए। ठीक है, सपोज कि वो 1,000 रुपये लग गया, 29,000 रह गए। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसिटी टू मेक सच सेल, सपोज कि आप गांव में रहते हैं और उसमें मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल डलवाया और एक आप आपका 500 का पेट्रोल लगा और आप शहर में पहुंचे और उसको आपको बेचा फिर जाके, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसिटी टू मेक सच सेल, तो 500 ये भी खर्च हो गए, तो कितने बाकी बच गए, 28,500। जब हमने बात शुरू की थी तो मोटरसाइकिल पर था हमारा 30,000 का, हमारे हाथ में कितने आए, 28,500। ये जो 28,500 है ना, ये है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या आप जितनी बातें करते रहे जी मेरी चीज़ इतने की है, मेरी चीज़ इतने की है, जो पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे ना वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और NRV इसे कहते हैं। चले जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, अभी बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज की बात मैंने कर ली, मुझे याद है, याद ना दिलाएं, मुझे याद है। अच्छा, इन्वेंट्रीज के अंदर तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, मटेरियल एंड सप्लाइज, याद होगा बड़ी डिटेल से बता दिया, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है ये आप पढ़ चुके हैं, और जो कुर्सियों की एग्जाम्पल दी, फर्नीचर की एग्जाम्पल दी थी हमने, याद होगा आपको, और फिनिश गुड, वो वाला फर्नीचर जो हमारा तैयार हो गया था। तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती है आपके पास, इन्वेंट्रीज की टाइप आपने याद कर ली। अभी हमें कह रहे हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, वैल्यूएशन किस चीज की, आपके पास जो इन्वेंट्री की मैंने बहुत सारी एग्जाम्पलें दी थी, कभी बजरी की, कभी पंखों की, कभी सीमेंट प्लांट की, उसके अंदर जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपने जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए किसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है जी, बुक ऑफ अकाउंट्स तो वैल्यू पे बात करता है ना, वो ये तो नहीं कहता जी 10 पंखे पड़े हैं, ठीक है 10 पंखे पड़े हैं, नहीं, वो कहता है भाई कितने के पंखे पड़े हैं। वो कहता है अगर बजरी पड़ी है तो बजरी पड़ी है, कितने की बजरी आपके पास पड़ी है लल्ला। तो ठीक है जी, ये हम बजरी पे पंखों पे बात जब कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये तो इसकी वैल्यूएट करना पड़ता है, वैल्यूएट मतलब उसकी वैल्यू लगाना, उसको रुपयों में, रुपीज के अंदर बात करना कि कितने का है। कहता जो वैल्यूएशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखना है मैंने कि ये जो 10 पंखे पड़े ये कितने के हैं, या ये जो बजरी पड़ी है मेरे पास कितने की पड़ी हुई है। तो कहता है कि इसके दो तरीके हैं, या तो आप जितने की आपको पड़ी थी कॉस्ट, मतलब कितने की बजरी आपने मंगवाई थी, सपोज के 1,000 रुपये की बजरी आपने बेचने के लिए रखी थी मंगवा के, या 10 पंखे आपने 50,000 के मंगवाए थे, पर पंखा 5,000 लगा ले, 50,000 के अपने पंखे खरीदे थे, या तो कहता है कि आप ये वाली वैल्यू रजिस्टरों में लिख देंगे, बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिख देंगे। दूसरा तरीका है ये है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करें कि आपको इसको बेचने के बाद आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, जब ये दोनों आपने कैलकुलेट कर ली तो लोर ऑफ समझ रहे, लोर ऑफ इसका मतलब है कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है जो इन्वेंट्री पड़ी है, उसके नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी आपने मार्केट से पता करवा लिया, आपको पता चलेगा कि दोनों में से ज़ाहिर है एक वैल्यू तो कम होगी एक ज़्यादा होगी। तो कहता है जो कम वाली वैल्यू होगी ना, आपने हमेशा बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर वही वैल्यू लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑन अ सेफर साइड, सेफर साइड कैसे, कि आप फर्ज करें जी आपकी चीज़ है 100 रुपये की, मार्केट से पता चला आप 100 100 रुपए की बात कर रहे थे, आपको पता चला वो ये 28,500 वाली, 30,000 का मोटरसाइकिल आप कह रहे थे, पड़ा कितने का, 28,500। तो कहता बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर 28,500 फिर लिखेंगे, लोर ये आ गया, नेट रियलाइजेबल और कॉस्ट, इस तरह आप कैलकुलेट करके दोनों आगे करेंगे, न्यूमेरिकल हो जाएगा क्लियर आपको, नो प्रॉब्लम। दोनों की लोर देख ली हमने। कहता जी फॉर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री, सही है जी। अच्छा, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री क्या होती है, कि जो कि जैसे फर्ज करें कि आप आपके पास पंखे पड़े 10, आपने 5 पंखे और मंगवाए, जो आपके पास ग्राहक आएगा वो कहेगा आपको कि नहीं जी जो पंखे अभी आपने अभी मंगवाए हैं ना ये नए पंखे हैं, जो पहले के पड़े पुराने पंखे, मुझे नया वाला पंखा दो, वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा भाई पंखा दे दो बस मुझे, क्योंकि सारे पंखे एक जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हो, मतलब पता ना चले उसका, मतलब कि उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मैटर ना करती हो, तो उसको आप कहेंगे म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। जब बजरी है,
बजरी पुरानी हो नई हो, मुझे बजरी दो यार, मैंने अपना घर बनाना है, ठीक है, आपसे पुरानी नई पे बात नहीं करेगा। फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर आपने बना के रखा हो शोरूम के अंदर, आपको ये नहीं कहेगा ये आज बना ये कल बना है, उसे कहा ठीक है फर्नीचर दे दे मुझे। अगर वो डिजाइन वाला नहीं है, एक ही जैसा फर्ज करे पड़े हुए हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां लेने जाते हैं ना, वो एक जैसी प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी होती हैं, और रेड येलो येलो, आप कलर के अलावा उसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं पूछते, आप कहते हैं ठीक है यार मुझे चार ये वाली रेड दे दे, उसके साथ रेड वाला टेबल दे दे, ठीक है। आप उसको ये नहीं कहते यार ये मुझे बताओ कि ये कुर्सियाँ रेड वाली अभी बन के आई हैं कि येलो वाली बन के आई हैं, आप ये नहीं पूछते। तो ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं म्यूचुअली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे जब हम बात करते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगा लेते हैं, या वेटेड एवरेज मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका कार ये है कि अगर फॉर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइएबल हो आपके पास इन्वेंट्री, जैसा कि आपके पास डिज़ाइन वाला फर्नीचर है, डिज़ाइन वाला, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते यार ये वाला डिज़ाइन जो ये वाला डिज़ाइन, दो डिज़ाइन वाले पड़े हुए, तो आप उसका ये नहीं कह सकते कि यार दोनों में से कोई भी ले लो, ऐसे नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो दोनों की कॉस्ट डिफरेंट होगी, थोड़ा ज़्यादा फैंसी वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा, सही है। तो ऐसे को जो कि आइडेंटिफाई हो सका हो सकता हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें, थोड़ी और आसान करूँ आपके लिए, हमने एयर कूलर की एग्जाम्पल ली थी, अब एयर कूलर अगर 10 के जैसे पड़े हैं तो वो म्यूचुअल इंटरचेंजेबल है, कोई भी ले लो। हाँ अगर कुछ एयर कूलर जो पड़े हुए वो डिज़ाइन में थोड़े डिफरेंट है, तो आपकी उसमें इन्वेंट्री कैसे, पाँच एक तरह की पाँच एक तरह की, तो ग्राहक आने वाला ग्राहक ये कह सकते हैं यार ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो इस वाले की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट मेथड से, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट देखी जाती है। एक ज़्यादा फैंसी वाला एयर कूलर हो सकता है 12,000 का हो, कम फैंसी वाला हो सकता है 10,000 का हो, प्लास्टिक वाला एयर कूलर शायद 10,000 का हो, और लोहे वाला कूलर जो 15,000 का हो, क्योंकि उसमें लोहा लगा हुआ है। खैर स्पेसिफिक आइडेंटिफाइएबल इन्वेंट्री पे भी बात कर ली हमने, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का यही वो फार्मूला जो ये जो फार्मूला था, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला है ये, खैर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये ऐसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसिटी टू मेक सच सेल। उसी फार्मूला को मैं थोड़ा सा कलर दे के आपका दिल लगाने के लिए इसको खूबसूरत करके लिख दिया। अच्छा ऐसी अगर इन्वेंट्री हो उसका क्या करना है, फॉर मटीरियल्स एंड सप्लाईज के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखी जाती है। ऐसे क्या कहना चाह रहा है, मतलब फर्ज करें कि आपके पास वेयर हाउस के अंदर एक पार्ट पड़ा हुआ है, पार्ट को मशीनरी के अंदर यूज़ हो रहा है, जो फर्ज करें मोटर पड़ी हुई है, फर्ज करें आपके घर के अंदर जो पानी वाली बोतल है मोटर है, इस तरह की मोटर फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है। अब इसकी कॉस्ट आपके अंदर वेयर हाउस के अंदर जो आपके स्टोर के कंपनी के स्टोर के अंदर एक मोटर पड़ी हुई है, वो मोटर को रिप्लेस करने के लिए आप उसकी कॉस्ट क्या लगाएंगे बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसकी आप वो कॉस्ट लगाएंगे कि जितने में वो नहीं आ रही है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसको कहते हैं, कि जिसके साथ वो इन्वेंट्री इन्वेंट्री से रिप्लेस होगी उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। ले जी आगे आगे है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर, इन्वेंट्रीज शैल बी वैल्यू एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस और ग्रुप बेसिस। देखिए आइटम बाय आइटम, अच्छा वही चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर लेंगे हम, और लोअर जो होगा उसके ऊपर इन्वेंट्री को हम लिख लेंगे। दैट वॉज पेड टू एक्वायर द इन्वेंट्री, कॉस्ट यही होती है ना कि जितने में वो इन्वेंट्री है वो आपके हमने खरीदा है, तो उसकी क्या होती है कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री एक तो होती है ना, पंखा आपने लिया बस आगे ला के रख लिया दुकान के ऊपर बेचने के लिए, एक तो वो उसकी कॉस्ट होगी, दैट वॉज पेड टू अक्वायर द इन्वेंट्री अपने खरीदने के लिए ली, या फिर कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब उसका मटीरियल, और कन्वर्जन कास्ट वो होती है मटीरियल के अलावा जितनी भी कास्ट होती है, लेबर की कास्ट, ठीक है, उसके लेबर के कास्ट इनडायरेक्ट कास्ट जितनी भी होती है सारी कन्वर्जन कास्ट कहलाती है। तो ये सारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही होती है जो फार्मूला हमने देखा है, सही हो गया जी। अभी ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ मैं, शॉर्टली शॉर्टली आपके इसके अंदर आपके साथ बात कर लेता हूँ। अच्छा तो इस पैराग्राफ के अंदर जो बात कर रहे हैं ना उसको सम अप इस तरह करते हैं, ये जो पूरा पैराग्राफ है आपने पहले सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि वो हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर, के जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है को बुक्स अकाउंट्स के अंदर कितने की लिखें, सही है। अच्छा जी दो दो बस प्रिंसिपल हैं, दो मेथड हैं बस, वो आप समझ लें।
एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज कि आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, वो आपको पड़ी थी 10,000 की, और मार्केट में अभी वो आपकी अगर बेचे और आपके हाथ में जो पैसे आएंगे तो वो 9,000 आएंगे, ठीक है? घाटा पड़ रहा है आपको, लॉस में जा रहे हैं आप। ऐसी इन्वेंट्री को आपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखना है, नोट करना है, अपने रजिस्टर के अंदर लिखना है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो आपने एनआरवी वैल्यू वैल्यू यूज़ करनी है, कॉस्ट वाली यूज़ नहीं करनी है। कितने की आपको पड़ी थी वो नहीं करनी, जितने की बिकेगी, बिक के आपके हाथ में पैसे आएंगे वो लिखनी है, रिकॉर्ड एनआरवी। दूसरी चीज़, अगर आपको चीज़ पड़ी थी 9,000 की, आपने जब खरीदी 9,000 की पड़ी, आप जब मार्केट में बेचते हैं और बेचने के बाद आपके हाथ में पैसे जो गाहक देता है वो 10,000 रुपये हैं, तो आपने 10,000 की बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखनी, आपने लिखनी है 9,000 की। क्योंकि अभी समझ आ रही है आपको बात, लोअर ऑफ दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर हमने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो लिखनी है। इन दोनों में से दोनों की हमने वैल्यूएशन कर ली, एनआरवी हमारी थी 9,000, तो रिकॉर्ड कर दिया एनआरवी के ऊपर। इन दोनों में से देखें लोअर कौन सा है, कॉस्ट, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट के ऊपर। तो जनाब ये हमने सोखा कर दिया आपके लिए, और ये पैराग्राफ भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बटाका, पता नहीं क्या नाम रखा, बटाका। बटाका प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ स्टॉक ऑफ फिनिश शूज, जूते बेचने वाले, इनका कोई बिजनेस है बटाका वालों का। दिसंबर 31, 2009, कॉस्टिंग 15,000। फिनिश गुज के जो उसके मतलब जूते जो पड़े हैं ना, जितने भी जूते पड़े हैं, 5 पड़े 10 15 जितने भी पड़े हैं, उन जूतों की टोटल जो कॉस्ट थी, मतलब जितने के उसके खरीदे हैं, वो 15,000 है, ठीक है? द कंपनी आल्सो हैज़ अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस मीन्स कि जिस तरह इसका कारखाना भी है साथ जूते बनाने वाला, वो उसके अंदर कुछ इन्वेंट्री पड़ी है, वो प्रोसेस में है अभी, कंप्लीट नहीं हुई। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज 5,000, ठीक है? वो जो जूते इन प्रोसेस हैं उसके ऊपर कॉस्ट वो मजीद आनी है वो 5,000। ऑन विच 10,000 हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट टिल दिसंबर 31, 2009। मतलब जो वो जूते जो कि अभी कंप्लीट होने हैं, जिसके ऊपर 5,000 हो और लगेगा कंप्लीट होंगे, उनके ऊपर 10,000 ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, सही हो गया। अच्छा अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट पे एक कर लेते हैं हम कि कितने कॉस्ट की इन्वेंट्री हमारे पे पड़ी हुई है, और दूसरा वो कि कितने की हमारे पे एनआरवी बनेगी, सही हो गया। अब ये देखें जरा, ये लाइन पढ़े, यानी कंपनी पेज 2% कमीशन और सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। जो फिनिश गुड्स वो बेचता है, उनको बेचने के लिए 2% इसको और पैसे अभी उनको सेल वालों को देने पड़ते हैं, ठीक है? कमीशन देने पड़ते। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस व्हेन दिस विल बी कन्वर्टेड टू फिनिश गुड इज 35,000। देखें सबसे पहले देखें कि जनाब यहाँ पे फिनिश गुड हमें ये दिखाई 15,000 की, और हमारे पास कह रहे हैं जो बाकी वर्क इन प्रोसेस है सारी इन्वेंट्रीज को शामिल करके कहता है, कहता है जब इसको बेचेंगे ना, वो उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होगी ना वो 35,000 है, सही है जी। अब पहले एनआरवी कैलकुलेट करें, एनआरवी शुरू कहाँ से होती थी, ये फार्मूला याद है आपको, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एनआरवी एस्टिमेट सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन माइनस एस्टिमेट कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल, ठीक हो गया? अभी देखो सबसे पहले एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस कितनी थी, 35,000, तो मैंने लिख लिया 35,000। ये एनआरवी कैलकुलेट करने लगे, ठीक है? ये लिखा हुआ एनआरवी दिस एंड दिस, ठीक है जी? कैलकुलेट करने लगे 35,000। हमने पहले सबसे पहले उसने कहा जी अगर वो इन्वेंट्री जितनी भी है, चाहे वर्क इन प्रोसेस है, जो जूते कंप्लीट है या जूते कंप्लीट होने वाले हैं, उस पर 35,000 खर्चा आएगा हमारा, बिकेगी हमारे हाथ में, एस्टिमेटेड इतनी प्राइस आ सकती है सेल प्राइस, ठीक है? अच्छा फिर हमने कहा अच्छा जी ठीक है, आगे हमने कहा यार ये जो 35,000 बता रहा है ना हमारे, इतने की बिक जाएगी, उसमें हमारी कॉस्ट और कितनी आती है, कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीट 5,000 कहाँ लिखी उसने, उसने कहा जी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट दिस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 5,000 कह रहे, उसमें खर्च हो जाएंगे 5,000, हमने ये लिख दिया डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है? एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सच सेल्स। अब वो सारी जितने भी जूते तैयार थे और जितने भी जूते अभी तैयार होने वाले थे, इस सबको जब मैं बेचना है ना, तो 2% मैंने इसके ऊपर देने हैं सेल्स स्टाफ को, तो मैंने 2% किसका ले लिया, इसका 35,000 का, ठीक है? 35,000 का जो मैं 2% लेता हूँ, तो मेरे पास आ गए 700 रुपये। अच्छा अभी ये बॉक्स के अंदर है,
वही एस्टिमेटेड एनआरवी वाला फार्मूला देखें तो 35,000 में से माइनस करेंगे 5,000 के, बचेंगे 30,000, फिर माइनस करेंगे 700 रुपये, तो 29,300 एनआरवी हमारी क्या की 29,300। अभी दूसरी हमने वैल्यूएशन करनी है कि बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री कितने की लिखे, तो हमने अब कॉस्ट भी देख लेनी है कॉस्ट कितनी है। हमने कॉस्ट उसने क्या क्या कॉस्ट बताई है, कॉस्ट में सिर्फ हमने वो लिख ली है जो कॉस्ट एक्चुअल आई है। जैसे उसने कहा जो हमारे पास फिनिश शूज़ पड़े हैं वो 15,000 के हैं, और जो वर्क इन प्रोसेस वाले शूज़ हैं वो उसके ऊपर 10,000 खर्चा हुआ, तो हमारे अभी तक जो इन्वेंट्री है एक्चुअल जो खर्चे वाली है 15,000, वर्क इन प्रोसेस वाली 10,000, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने खर्च किए हैं वो है 25,000। तो देखें एक आ रहे हैं 29,300, एक आ रहे हैं 25,000। तो हमें अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री जो हमारे में पड़ी है जूतों वाली उसके कितने पैसे लिखने हैं, अपने 25,000 लिखने हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लेसर देन इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देयर फॉर द इन्वेंट्री विल बी रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट ₹25,000। इन्वेंट्री हम किस में लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, तो वही है सही हो जी। माशाल्लाह से हमने पहला जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है, सेकंड पार्ट के अंदर मुलाकात होती है और इसको आगे लेके चलते हैं। उम्मीद है कि इसको काफ़ी सौखा कर लिया हमने, आगे भी इंशाल्लाह सौखा करते जाते हैं। चले जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।